मजे में. तो आज हम लोग क्या बनाने जा रहे हैं पता है? मिक्स लेंटिल कटलेट्स. ठीक है, तो ये एकदम बनाने में इजी है और आप लोग आसानी से घर पर बना सकते हो. तो और मुझे एक बात और कहनी है कि अगर इसमें कुछ आपके पास कुछ, मैंने जैसे पहले बताया है कि दालें नहीं है, ये मतलब कुछ तूर नहीं है, चना दाल नहीं है, मूंग दाल नहीं है, चलेगा. जो भी दालें हैं या फिर चने हैं, छोले हैं, राजमा है, उसका भी आप ये जो कटलेट है बना सकते हो. मैंने, मेरे पास भी अभी फिलहाल तो दालें नहीं है, लेकिन मैंने छोले और लाल चना यानी राजमा मेरे पास नहीं है, लाल चने और जो हमारे काबुली चने रहते हैं, ये दो मैंने लेके कटलेट्स बनाए हैं. एकदम आसान तरीका है, तो चले हम लोग बनाए. चलो हम लोग स्टार्ट करें अभी मिक्स लेंटिल कटलेट्स. तो इसके लिए मैंने क्या लिया कि ये जो काबुली चने हैं ये और ये लाल चने, इसको मैंने पानी में डाल के रखा. रात को मॉर्निंग में उसका पानी निकाल के उसको मैंने कुकर में बॉईल किया अच्छी तरह से. मैंने 5 वेसल किए हैं, 5 सीटियां किए, वो अच्छी तरह से कुक होना चाहिए देखो. हाँ, और फिर इसका जो पानी है वो मैंने निकाल लिया. ठीक है, पानी निकाल लिया, फिर उसको थोड़ा सा मिक्सर में ग्राइंड किया. देखो इतना ड्राई, इसमें पानी नहीं डालना है, बिल्कुल पानी नहीं डालना है, सिर्फ ऐसे ही मिक्सर में उसको पीसना है. ये थोड़ा सा दरदरा पीसा जाता है. ठीक है, अभी इसके लिए मैंने क्या क्या डाला है, उसमें क्या क्या लगेगा. तो रेड चिल्ली पाउडर है, एक ब्रेड का स्लाइस लिया है, ये इसके ऊपर डिपेंड है कितना ब्रेड का स्लाइस लगता है, लेकिन मैंने एक ब्रेड का स्लाइस लिया है. रेड चिल्ली पाउडर है, फाइन चॉप अनियंस, अनियंस को एकदम फाइन चॉप करना है, फाइन चॉप अनियंस है, और अपना धनिया और जीरा, कुटा हुआ धनिया और कुटा हुआ जीरा मिक्स पाउडर है. गरम मसाला है, जिंजर गार्लिक पेस्ट यानी लहसुन अदरक और हरी मिर्ची का पेस्ट, इसमें मैंने थोड़ा सा कोरिएंडर भी डाला है यानी धनिया भी डाला है. इसमें आएगा टर्मरिक, हल्दी और कोरिएंडर लीव्स. ऑप्शन के लिए मैंने यहाँ पे चीज क्यूब रखा है, अगर आपको चीज क्यूब डालना पसंद है आप डाल सकते हो, ये आपके ऊपर है. चलो तो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं. अच्छा देखा, सब दरदरा पिसा हुआ है. अच्छा, इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, आप आपके हिसाब से आप डाल सकते हो. थोड़ा सा रेड चिली पाउडर 1/4 टीस्पून, थोड़ा सा टर्मरिक, कुटा हुआ धनिया और जीरा, जिसमें जीरे की धनिया की क्वांटिटी ज्यादा है और जीरा कम है. ओके, गरम मसाला, टेबलस्पून मैंने डाला है अनियंस, थोड़ा आपको एक्स्ट्रा चाहिए तो डाल सकते हो. थोड़ा सा धनिया, फाइन चॉप किया हुआ धनिया, और ऑप्शन के लिए मैं थोड़ा एक क्यूब जो है वो चीज डाल रही हूँ. चीज डालना पसंद है तो, लेकिन मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा चीज. मैंने हाफ ही डाला है. और एक चीज डालना मैंने भूल गई, वो है सॉल्ट. सॉल्ट आप आपके हिसाब से डाल सकते हो. इसमें आप आमचूर पाउडर, चाट मसाला भी डाल सकते हो. अभी हमें इसमें लास्ट में डालना है 2 टेबलस्पून राइस फ्लावर. अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून राइस फ्लावर.
राइस फ्लावर इसलिए डाला है क्योंकि इससे बाइंड हो जाए। अगर आपको चने का आटा डालना है आप डाल सकते हो, लेकिन चने के आटे को आपको हल्का सा रोस्ट करके फिर बाद में इसमें डाल सकते हो। कॉर्नफ्लावर भी डाल सकते हो, रिफाइंड फ्लावर भी डाल सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये बाइंड होना चाहिए इसलिए हम लोग डाल रहे हैं। अभी हमें इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। अच्छा, ऐसे हमने बनाया, मिक्स किया। अच्छा, इसमें और एक चीज डालना है, वो है, ये है ब्रेड। ब्रेड को मैंने क्या किया, हल्का सा गीला किया पानी में, हल्का सा, और फिर इसमें मैं डाल रही हूं। मैंने तो एक ही ब्रेड यूज किया है। थोड़ा सा पानी में ब्रेड को भिगोना है और फिर इसमें मिक्स करना है। अच्छा, देखा किस तरह से मिक्स किया। अभी हम इसके टिक्की बनाएंगे। टिक्की आपको जैसे शेप चाहिए वैसे बनाओ, लेकिन मैं तो राउंड ही बनाऊंगी। अच्छा, देखा मैंने इस तरह से कैसे टिक्की बनाए। ये तीन बना दिए, ये तीन कटलेट हो गए हमारे, ठीक है। अभी इसको क्या करना है, थोड़ा सा ये मैंने राइस फ्लावर लिया है, ये मैंने राइस फ्लावर में इसको हल्का सा डस्ट किया, बस। अभी मैं इसमें थोड़ा सा शैलो फ्राई कर रही हूँ, ये डीप फ्राई नहीं करने हैं, शैलो फ्राई। अभी मैं इसको इस तरह से थोड़ा सा पलट रही हूँ, बस इसको थोड़ा होने। अब हमें इसे निकालेंगे और प्लेटिंग करेंगे। तो ये हो गए हमारे लेंटिल कटलेट्स। कैसे लगे, अच्छे हैं? अब सब प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अभी हम इसमें ना कबाब, शिक कबाब कैसे करते हैं वैसे भी कर सकते हैं। देखो इस तरह से किया मुठिया जैसा, फिर जो आपके पास अगर ये रहेगा, फिर सबके पास अवन रहेगा तो मेरे ख्याल से ये होना जरूरी है। देखा, इस तरह से आप इसको फ्राई कर सकते हो। मैंने ये हो गए हमारे, देखा, सीख कबाब। अब मैंने आपको कटलेट दिखाए, अभी ये कबाब भी आप इस तरह से बना सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड है आप कैसे बनाते हो, लेकिन मैंने एक आइडिया आपको सजेशन दिया है कि आप इसके कबाब भी बना सकते हैं। यानी ये हो गया हमारे वेज शीख कबाब। कैसे लगे आपको कटलेट, और इसमें मैंने शीख कबाब भी आपको सिखाया, राइट। जब ये आप फ्राई करोगे तो शायद ये फट सकते हैं, लेकिन आप फायर पे, जो गैस का जो फायर है वो आपको मीडियम रखना है, ज्यादा फास्ट भी नहीं और ज्यादा स्लो भी नहीं, ठीक है। अगर जब फट रहा है तो आपके पास अगर कॉर्नफ्लावर है या आपके पास रिफाइंड फ्लावर है या चना आटा है तो आप उसमें मिक्स करके डाल सकते हो, बाइंड कर सकते हो। लेकिन इसको करते वक्त, इसको फ्राई, शैलो फ्राई करते वक्त बहुत ही अच्छी तरीके से फ्राई करना है। मतलब आपने लिया और फटाफट डाला, ऐसे नहीं होता, क्योंकि कबाब है, कबाब कभी भी सॉफ्ट रहते हैं, ठीक है। तो आपको पसंद आया होगा और आप लोग सब ट्राई करेंगे। मैंने ये इजी मेथड बताया है, इसमें कोई हार्ड कुछ भी नहीं है, ओके। और जो मैंने डाला है रेड चिली पाउडर या कोरिएंडर, सब कुछ डाला है। कोरिएंडर लीव्स में मैंने 3-4 पुदीने के पत्ते भी डाले थे, जो मैंने आपको बोला नहीं, भूल गई मैं उस पर, तो वो भी डालना है अगर आपके पास अवेलेबल है तो। और इसके अलावा आपका एकदम इजी मेथड है, आप सब बना सकते हो। आपके पास जो दाले अवेलेबल है आप उससे बना सकते हो, लेकिन अगर मूंग दाल, चना दाल और ये सब दाले हैं तो आपको उसको सोक, रात भर उसको सोक करके फिर हल्का सा ग्राइंड करना है, उसको कुक नहीं करना है। जैसे मैंने छोले के जो ये थे, काबुली चना था या लाल चने थे, मैंने क्या किया उसको बॉईल किया, क्योंकि वो थोड़ा सा हार्ड है, और मूंग है, मटकी है या
आपकी जो दालें हैं वो जल्दी कुक हो जाती है, तो आपको उस रात को सोक करके मॉर्निंग में आपको उसको ग्राइंडर में पीसना है, लेकिन पीसते वक्त उसमें पानी नहीं डालना, ठीक है। तो चले अभी आप लोग बनाओगे, प्रैक्टिस करोगे, चलो।